हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हरियाणा में आपका 10 सीटों का दावा, ये सूत्रों के अनुसार बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर आपको सिर्फ 7 सीट देना कांग्रेस चाहती है और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के आधार पर आपका ये दावा है सूत्रों के अनुसार आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उसमें आम आदमी पार्टी 10 विधानसभा सीटों का दावा कर रही है तो वही 7 सीट कांग्रेस देना चाहती है, ये सूत्रों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक आज होगी और ऐसे में देखिए सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी 10 सीट जो है लेना चाहती है और ऐसे में अब कांग्रेस 7 सीट पर देने की सहमति जताती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो ये भी आपको बताते चले कि सूत्रों के अनुसार ये हम आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर 10 सीट का यहां पर दावा आम आदमी पार्टी कर रही है और देखिए अब यहां पर इन सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर यहां पर देखने को मिलेगा और इस बैठक में ये भी आपको बताते चले कि कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे और अब क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो कंचन देखिए हरियाणा में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो गठबंधन की खबरें सामने आ रही है उसमें लगातार पेच एक ही जगह फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन आज बैठक होगी, क्या लगता है ये पेच अब क्लियर हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, नतीजों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन की बात है उस पर सहमति तो लगभग बन चुकी है, लेकिन अगर कहीं पे दिक्कत परेशानी या फिर पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा तो उसकी वजह है सीट शेयरिंग को लेकर। हालांकि जो जानकारी उसके अनुसार आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा और कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल की एक बैठक आज होनी है, समय फिलहाल निर्धारित अभी नहीं किया गया है, दोपहर बाद का वक्त बताया जा रहा था जब इस ये बैठक को किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की भी मौजूदगी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से एक सीट जो कि कुरुक्षेत्र की थी वहां से चुनाव लड़ा है। तो अब बिल्कुल आपके पास लौटेंगे और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव पर यह बड़ी खबर, विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की संभावना, श्रीनगर रवाना होने से पहले की मुलाकात, ये भी आपको बताते चले कि विनेश और बजरंग ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अब विनेश फोगाट चुनावी मैदान में उतर सकती है और अब ये भी आपको बताते चले कि श्रीनगर रवाना होने से पहले ये मुलाकात भी की गई, विनेश और बजरंग ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, यानी कि अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है विनेश फोगाट, की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उससे पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कंचन जुड़ी हुई है। कंचन देखिए विनेश फोगाट को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब कुश्ती से चुनावी मैदान में एंट्री कर सकती है, लेकिन राहुल गांधी अब जब श्रीनगर के लिए रवाना हुए उससे पहले ये मुलाकात, क्या संदेश देते हैं? जी बिल्कुल, देखिए संदेश सीधे तौर पर एक तरफा है कि विनेश फोगाट हरियाणा से कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 99.9% सहमति है, 0.1% आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि जब विनेश फोगाट को मेडल को लेकर तमाम चीजें हुई थी, जब उनको उसमें से रिजेक्ट किया गया था, तब भी कांग्रेस के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सीधे तौर पर विनेश फोगाट को लेकर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार होती तो हम उनको राज्यसभा में भेज देते, जिस पर कई तरीके के सवाल तब भी खड़े किए गए थे। और उसके बाद जब विनेश फोगाट भारत पहुंची तो भारत पहुंचने के साथ ही उन्होंने दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद से ही कयास लगने शुरू हो चुके थे कि विनेश फोगाट हरियाणा से कांग्रेस से की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अब जब विनेश फोगाट राहुल गांधी से मुलाकात की है, वो भी उस वक्त जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर निकले हुए हैं, उसके दौरे पर जाने से पहले विनेश फोगाट की यह मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, यानी 99% जो अब तक लगातार केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की बैठक हो रही थी उम्मीदवारों के नामों को लेकर के, तो अब सहमति विनेश फोगाट पर भी बन सकती है और विनेश फोगाट को कांग्रेस हरियाणा से टिकट दे सकती है, यानी विनेश फोगाट अब खिलाड़ी के बाद कुश्ती के बाद सीधे राजनीति में कदम रख सकती हैं हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा खिलाड़ियों का राज कहा जाता है और वहां पे जो तमाम चीजें विनेश फोगाट के साथ हुई हैं अभी कुश्ती के दौरान जो ओलंपिक में, तो उसका फायदा कांग्रेस हरियाणा के वोट बैंक के माध्यम से लेना चाहती है और शायद इसीलिए
विनीत फोगाट को कांग्रेस टिकट दे रही है और जानकारी के अनुसार विनीत फोगाट लगभग हरियाणा की टिकट से चुनाव लड़ने भी कांग्रेस की तरफ से तैयार हो रही है। जी बिल्कुल, लेकिन कंचन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विनीत फोगाट अगर चुनावी मैदान में आती है तो क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए लगातार जब पहलवान सड़कों पर थे तो विनीत फोगाट का गुस्सा साफ तौर पर बीजेपी पर नजर आता था और हाल ही में उन्होंने जब अगर ये चुनाव की एंट्री होती है या फिर ये कहे कि चुनावी मैदान में जब वो एंट्री करती है तो क्या एक उनको मौका। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि चाहे किसानों के प्रदर्शन की बात कर ले या फिर खिलाड़ियों रेसलर को लेकर दिल्ली के जनता मंत्र पर प्रदर्शन की बात कर ले, विनीत फोगाट या फिर वो तमाम खिलाड़ी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते थे, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम चीजें कहते, लेकिन जो आक्रोश जो बातें विनीत फोगाट के अंदर उस वक्त थी वही चीजों का फायदा उठाते हुए राजनीति में वो कदम रखना चाह रही है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उसका फायदा भी विनीत फोगाट को मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है ना शाम दाम दंड भेद सभी अपना लेते हैं, राजनीति का स्तर वो हो चुका है, तो कहीं ना कहीं संपत्ति के माध्यम से कहीं ना कहीं खिलाड़ी को जिस तरीके से वहां पे रिजेक्ट किया गया था उस माध्यम से विनीत फोगाट कांग्रेस को जीत दिला सकती हैं और इसीलिए कांग्रेस विनीत फोगाट पर दांव लगाने के लिए तैयार भी हो रही है और जो अंदर विनीत फोगाट की तमाम चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन सारी चीजों को राजनीति के माध्यम से बाहर निकालने की भी कोशिश की जाएगी और ऐसे में विनीत फोगाट अगर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ती है तो देखना यह भी होगा कि क्या आप और कांग्रेस का गठबंधन अब कितना आगे कामयाब हो पाता है। जी बिल्कुल, तो देखिए अभी सबकी निगाहें कंचन इसी पर टिकी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन अगर बनता है तो आगे क्या रणनीति यहां पर नजर आ सकती है हरियाणा चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि देखिए 10 सीट आम आदमी पार्टी मांग रही है लेकिन कांग्रेस 7 सीटों पर अड़ी हुई है, लेकिन आज जो बैठक होगी उसमें विचार विमर्श किया जाएगा मंथन होगा, तो क्या यहाँ पर अब कांग्रेस की नई जो रणनीति होगी वो सामने आ सकती है। जी देखिए, कांग्रेस की नई रणनीति से तात्पर्य यह है कि जो अब तक अनुभव है उस अनुभव के आधार पर 7 सीटें कांग्रेस दे रही है, 10 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है, लेकिन सहमति 8 से 9 सीटों पर बन सकती है, क्योंकि जिस बात से राहुल गांधी ने संकेत दिया था कि क्या गठबंधन की कोई गुंजाइश है, गठबंधन कहीं से हो सकता है, तो अगर शीर्ष नेतृत्व आला कमान गठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो वो इस गठबंधन का स्वागत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 1 से 2 सीट पर ही खाली दांव फंसा रहेगा तो उसपे सहमति जरूर बनेगी और आज जो बैठक होगी उस बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की जो नहीं कि अब ये देखने वाली बात होगी कि आज बैठक में क्या निर्णय लिया जा सकता है, ये सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए, अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा की बीजेपी की पहली लिस्ट जो है आज आ सकती है, ये संभावनाएं लगातार जताई जा रही है जहां पर हरियाणा की बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है, शाम तक ये बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, लिस्ट में 30 से 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर संभव हो सकता है। तो आज जो देखिए देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में किन नामों का ऐलान यहां पर कर सकती है, 30 से 40 उम्मीदवारों के नामों की संभावना यहां पर जताई जा रही है, हरियाणा बीजेपी की आज पहली लिस्ट जो है जारी हो सकती है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट के संभावित चेहरे की अगर बात करें तो यह भी आपको बताते चले कि लाडवा से लड़ सकते हैं सीएम नायब सिंह सैनी और अंबाला कैंट से अनिल विज को टिकट मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है, फरीदाबाद ओल्ड से विपुल गोयल प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं और वहीं वल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा को टिकट मिल सकता है जिनसे महिपाल डांडा को चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। तो यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर नागल चौधरी जो है अभय यादव यहां पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं जहां पर हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह भी यहां पर माने, ये भी आपको बताते चलें कि अमित शाह से मुलाकात के बाद नरबीर सिंह के तेवर यहां पर नरम नजर आ रहे हैं। नरबीर सिंह ने कांग्रेस की जो है कांग्रेस में जाने की धमकी दी थी लेकिन पार्टी के बयानबाजी ना करने की हिदायत यहां पर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर नरबीर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की और अब उनका जो व्यवहार है वो नरम नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह यहां पर अब अमित शाह से मुलाकात करने के बाद अब तेवर उनके जो है बदले नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में यह भी आपको बताते चले कि नरबीर सिंह ने कांग्रेस में जाने की धमकी दी थी।
तो लगातार ये खबरें सामने आ रही थी और उसके बाद नरवीर सिंह ने अपना तेवर जो है वो बदल दिया है, नरम तेवर यहां पर करते हुए नरवीर सिंह नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार कंचन बनी हुई है। कंचन, देखिए सबसे पहले आज बीजेपी अपने पहले लिस्ट यहां पर ये भी बताया जा रहा है कि 30 से 40 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ जारी कर सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पर सबकी निगाहें थी कि सीएम सैनी कौन सी सीट पर यहां पर आ सकते हैं। क्या आज जो मोहर लग रही है बीजेपी की रणनीति को दर्शाएगी? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के आज संभवतः लिस्ट पहली आ सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा चेहरा है वो हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है, जिनको लाडवा से टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब तक कई बार की बैठक भारतीय जनता पार्टी में भी हो चुकी है। जो हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनके लेकर के बीजेपी के मतलब शीर्ष नेतृत्व, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, उनके साथ कई दौर की मुलाकातें हो चुकी हैं, चर्चा हो चुकी है, और अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 में से आज संभवतः उम्मीद जताई जा रही है 35 से 40 मतलब जो विधानसभा सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि एक महीने के लगभग का ही समय सिर्फ शेष बचा हुआ है। आज अगर बात की जाए तो 4 सितंबर है और 4 अक्टूबर तक जो है, 3 अक्टूबर की शाम को ही आचार संहिता लग जाएगी तो प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा, उसके पहले नॉमिनेशन की तमाम तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं उनको करना पड़ेगा, तो ऐसे में समय बहुत कम बचा है और अगर देरी की जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो उम्मीदवार हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए, उनको प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने चुनावी वादों को करने में भी विलंब होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की जारी की जा सकती है, जिसमें नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार में जो मंत्री रह चुके हैं अनिल विज, उनके नाम को भी लेकर लगातार चर्चा जा रही है। लेकिन अब जो अंबाला कैंट से अनिल विज को चुनावी मैदान में बीजेपी उतार रही है, क्या अपना वर्चस्व एक बार फिर से कायम यहाँ पर करने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए अनिल विज एक वो चेहरा है हरियाणा की राजनीति में जो काफी दम रखते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जब चर्चा चल रही थी तो उस वक्त भी अनिल विज की दावेदारी सबसे आगे आ रही थी, और कई तरीके के सत्ता परिवर्तन लाने का भी दम अनिल विज रखते हैं, कई बार अपने बयानों को लेकर बात की जाए या फिर अपने कामों को लेकर के बात की जाए, तो ऐसे में अनिल विज पर दांव भारतीय जनता पार्टी जरूर खेल सकती है। और हरियाणा की अंबाला सीट जो है वो अपने आप में इसीलिए हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि वहां पर चुनाव जीतने अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, तो ऐसे में हरियाणा के अंबाला से भारतीय जनता पार्टी अनिल विज को टिकट दे सकती है संभवता, हालांकि अभी संभवता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आधिकारिक तौर पर लिस्ट अभी सामने नहीं आई है, इसलिए खाली उम्मीद जताई जा सकती है कि अनिल विज को टिकट दिल्ली कैंट से दिया जा सकता है, लेकिन दांव जरूर बीजेपी उस पर खेलेगी और अनिल विज अपना वर्चस्व जो बना करके रखे हैं उसको आगे भी लेकर के आएंगे और अपनी सीट को पूरी तरीके से जिताने का दम भी रखते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल कंचन, तो देखिए अब लिस्ट पर बीजेपी की जो लिस्ट जारी होगी उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन उसी बीच अगर हम बात कर ले पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह की, तो वो भी अमित शाह से जब मुलाकात की और उसके बाद उनके जो तेवर बदले वो साफ नजर आ रहे हैं, चूंकि लगातार वो कांग्रेस पर जाने की बात कर रहे थे और उसके बाद उनके जो तेवर में बदलाव देखा, क्या एक बार फिर से वो बरकरारी यहां पर देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ली जाए राव नरवीर सिंह की, जो कि हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कहीं ना कहीं वो शीर्ष नेतृत्व से खुश नहीं हो रहे थे, यही वजह थी कि वो पार्टी छोड़ के जाने की बात लगातार कर रहे थे, और अगर वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले जाते तो जाहिर से बात है कि कांग्रेस हरियाणा में उम्मीदवार के रूप में उन पर जरूर दांव लगाती, लेकिन जब उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और मुलाकात करने के कई मायने निकाले जाते हैं, जब मंत्री राव नरवीर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की तो सारे गिले शिकवे जो हैं वो खत्म हो गए, जो उनको मतलब अंदर से नाराजगी थी राव नरवीर सिंह को, वो नाराजगी अमित शाह ने कहीं ना कहीं दूर की है, और शायद यही वजह है कि जो तेवर राव नरवीर सिंह के थे कांग्रेस पार्टी में जाने का, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का, वो तेवर अपने आप में ठंडा पड़ गया, या फिर ठंडा नहीं उसको कह सकते, नरम पड़ गया। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राव नरवीर सिंह को भी टिकट दे सकती है, क्योंकि अगर उनको टिकट देगी या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी तो जाहिर सी बात है
नाराजगी कम होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इस बात देखिए अब किसी को भी नाराजगी यहाँ पर बीजेपी नहीं चाहती है, अपने नेताओं को खुश करने की कोशिश लगातार बीजेपी की यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अब बीजेपी की आज जो पहली लिस्ट आ रही है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अब ये भी आपको बताते चले